ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं विशी और आप देख रहे हैं बोर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए कौन से हमारे इंट्राडे वॉच लिस्ट होंगे, कौन से स्टॉक इसमें बाइंग साइड होंगे और कौन से स्टॉक इसमें सेलिंग साइड होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अभी HDFC बैंक क्यों है, तो आप देख रहे हो 1 आवर्स का चार्ट है, नीचे गया एक बार, इधर रेजिस्टेंस लिया है आई थिंक 2 बार, एक बार इधर, बाद में नीचे गया फिर से ऊपर आए। अब वही जोन से ये क्या है कि कल ये रेजिस्टेंस ले चुका था, आज भी रेजिस्टेंस ले चुका था, हो सकता है कि ये अभी कल प्रॉपर मार्केट साथ दिया तो ये आपको एक अपसाइड दे सकता है। अगर ये इसको ब्रेक करके प्रॉपर तरीके से अपसाइड निकल गया तब की बात है। और आप जब इसको 1 डे पे शिफ्ट करोगे, मैं इसको 1 डे पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो आप देखोगे तो आपको इसमें क्या है कि नैरो रेंज कैंडल 7 देखने को मिली, मतलब NR7 कैंडल मिले। पिछली 7 कैंडल से इसकी रेंज सबसे छोटी है, तो जिसको NR7 का पता है तो वो भी इसको लेके जा सकते हो। तो ये था हमारा पहला स्टॉक HDFC बैंक। इसको मैं ये रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट करूंगा, बाद में कोई ट्रेड बना होता है इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो। अगर ये कल इसको ब्रेक करके अबव निकलता है तब आप अपनी इसमें बाइंग एंट्री बना सकते हो बाद में। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा, तो दूसरा स्टॉक है वो है आइसर मोटर। अभी आइसर मोटर मैंने क्यों लिया, तो आप देख रहे हो कितने दिनों से ये डाउन चल रहा है, बाद में आज क्या किया, आज इसने एक इंगल्फिंग पैटर्न बना दिए। पिछली कैंडल से इस कैंडल में वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो मैं इसीलिए इसको लेके जा रहा हूँ। जब मैं इसको 1 आवर्स पे शिफ्ट करता हूँ तो वहां उतना खास नहीं दिखाई दे रहा, आज के दिन ये प्रॉपर अपसाइड ही दे रहा था, तो इसको मैं इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया है, एक इंगल्फिंग पैटर्न बनाई है इसीलिए। तो देखो इसको अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो, अगर कल ये कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, या शायद ये मॉर्निंग में अपसाइड जाए या क्या करे, आप थोड़ा इसको अपसाइड जाने दो, बाद में रिट्रेस करने दो, फिर से जब अपसाइड स्टार्ट करता है ये स्टॉक छोटे टाइम फ्रेम पे, तब अपनी इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। मैं भी इसको कल वॉच लिस्ट में बना के रखने वाला हूँ, क्योंकि आइसर मोटर शायद हो सकता है कल थोड़ा सा आपको एक अपसाइड मूवमेंट दिखता हुआ दिखे। बाद में जो तीसरा स्टॉक है वो कौन सा है, तो तीसरा स्टॉक है वो है टाइटन। अभी टाइटन क्यों है, तो टाइटन को मैं इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हो कितने दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है, समझ गए, एक अपसाइड दिया बाद में कंसोलिडेट कर रहा है, तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने एक फ्लैग बना दिया है, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और तो इसको क्या है कि प्रॉपर ब्रेकआउट होने दो, अगर ये ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन को प्रॉपर ब्रेकआउट करके अबोव निकल जाता है तब आप अपनी इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो, तो लेके जाओ इसको भी, ये भी अच्छा है कि कितने दिनों से क्या है कि साइड में हो चुका है, तो हो सकता है कल आपको ये अपर की साइड ब्रेकआउट दिखता हुआ दिखे कल या परसों कोई भी टाइम फ्रेम पर, लेकिन आप इसको लेके जाओ क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस लाइन के पास आ चुका है इसीलिए। तो इसको भी मैं लेके जा रहा हूँ अपनी वॉच लिस्ट में, अगर मेरे को कल इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी मैं इसमें बाय सेल ट्रेड करूंगा, मैं इसमें सेल नहीं करूंगा। बाद में जो हमारा इसके बाद का स्टॉक है वो कौन सा है, तो इसके बाद का स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को आप देख रहे हो तो 3-4 दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है और NR7 कैंडल भी बनाई है 1 डे के हिसाब से, तो इसको मैं इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये कितने दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ। और अगर आप इसको 1 डे पे शिफ्ट करोगे तो आपको एक दिखेगा कि ये क्या है कि अपने हाई पे है, मतलब जो इसका लास्ट हाई है उसके आसपास है। तो अगर इसमें ट्रेड ले रहे हो तो प्रॉपर तरीका का एक व्यू रखो, या तो डाउनसाइड या तो अपसाइड। मेरे हिसाब से ये आपको मोस्टली होगा कि अपसाइड ज़्यादातर ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि क्या है कि मार्केट भी पॉजिटिव है। अगर कल मार्केट नेगेटिव रहा और इसने अगर नीचे के साइड ब्रेकआउट दे दिया तब आप इसमें नीचे की ओर जा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि मेरी ओर से ये आपको अपसाइड देने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब अपसाइड ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसको भी मैं बाइंग के लिए लेके जा रहा हूँ। लेकिन आप दोनों साइड अपना व्यू रख सकते हो क्योंकि एक नॉर्मल रेंज में फंस चुका है और NR7 कैंडल भी है, तो अपना इसमें कोई व्यू बनाओ, बाद में इसमें कोई ट्रेड लीजिए। इसके बाद जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है, तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट क्यों, तो अल्ट्राटेक सीमेंट में इसीलिए लेके जा रहा हूँ, तो ये भी एक रेंज में फंसा पड़ा है, लेकिन रेंज थोड़ी बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हो सकता है कल या परसों आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, या तो क्या कर सकते हो, अगर अच्छा मूवमेंट के साथ ये क्या है कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देती है
तब भी आप इसमें अपना ट्रेड बना सकते हो, या क्या है कि प्रॉपर तरीके से इस रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए। दोनों में से कोई भी व्यू रखो, लेकिन एक प्रॉपर व्यू के साथ होना चाहिए कि नहीं मैं इसको ब्रेक होने पे लूंगा, मैं इसको ब्रेक होने पे लूंगा, तब भी आप कोई प्रॉपर एंट्री ले सकते हो। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो, ये भी एक रेंज में आ चुका है, हो सकता है इसका कल या परसों ब्रेकआउट हो जाए। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है एचसीएल टेक। अभी एचसीएल टेक देख रहे हो, ये 1 आवर्स का चार्ट है, तो इसमें आप देखोगे पहली कैंडल ऊपर गई, बाद में रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आ गए। रेजिस्टेंस में आपको 1 डे पे दिखाऊंगा बाद में क्या किया और क्या किया इसने, कंसोलिडेट किया और मोस्टली रेड कैंडल बनाई। तो अगर मैं इसको 1 डे के हिसाब से सेट करता हूं तो आप देखिएगा, तो 1 डे के हिसाब से आपको इधर क्या मिला, एक रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार मिला, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैंडल होती है और वॉल्यूम भी है इसमें। अगर ये कल आपको कोई डाउनसाइड मूवमेंट दे तब आप इसमें सेल कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा थोड़ा टाइम जाने देने के बाद कि ये क्या है कि डाउन जाएगा या आज की तरह कंसोलिडेट करेगा। तो पहली कैंडल देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको डाउन ट्रेंड में जाना है, कंसोलिडेट करना है। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो, ये मेरे सेल लिस्ट में, तो इसको मैं सेलिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। नॉर्मली सभी लॉजिक आपको पता चल गए होंगे, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो उसमें आप ट्रेड मत कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे, प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।